पंजाब असम्बली का इजलास हंगामा आरा की नज़र हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ गैर मुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल पर शोर शराबा और नारेबाजी हुई। खुराक वजारत पर होने वाली बहस एहतजाज की भेंट चढ़ गई। हुकूमत को भिखारी कहने पर शदीद रद्द अमल दिया गया। वज़ीर कानून राजा बशारत कहते हैं कि क़यादत के खिलाफ गैर मुनासिब अल्फाज बर्दाश्त नहीं कर सकते। पंजाब असेंबली की सरकारी कार्रवाई में महकमा ज़राअत और खुराक पर आम बहस शोर शराबे की नजर हो गई। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तजा की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान ने खलल डाला तो उन्होंने वज़ीरे आज़म इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया। अपने हकूक की बात करना ये हमारा हक है और हम ये अपना हक पूरा करते रहेंगे। वज़ीरे कानून जवाब के लिए निश्चित से खड़े हुए तो मुत्तहिदा अपोजिशन अवाम से वॉकआउट कर गई। जी ऑर्डर इन द हाउस, लॉ मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं। ऑर्डर इन द हाउस। सूबाई वजीर कानून ने हसन मुर्जा का जवाब देते हुए कहा कि ओपोजिशन जिस लहजे में बात करेगी हुकूमती बेंचों से इसी लहजे में जवाब मिलेगा। आज जिस तरह असेंबली के अंदर आमरियत की बाकियात का सबूत दिया है लॉ मिनिस्टर साहब ने, मुझे उस पर बड़ी शर्मिंदगी और बड़ा एहसास हो रहा है कि आज हमारी आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने रूल्स ही नए बना लिए कि ये वीडियो भी बाहर ना जाए, ये ऑडियो भी बाहर ना जाए, इसे एक्सपंज कर दिया जाए। वज़ीर ज़राअत नुमान लगड़ियाल ने ज़राअत और खुराक पर आम बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि किसान को तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी जबकि गंदम बीज, ज़रई अद्वियात और शुगर कैन के लिए प्रोजेक्ट भी मुतारिफ करवा रहे हैं जिससे आम किसान को फायदा होगा। चेयरमैन ऑफ पैनल मियाँ मोहम्मद शफी ने एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास पीर की सपैर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम की हमरा अली अकबर सिटी फोटो।